जब मैं ड्यूटी पे था तो अपना ड्यूटी अलर्ट से कर रहा था, ड्यूटी के दौरान कैंप की तरफ मुझे दो मिलिटेंट आते दिखाई दिए जिनके हाथ में हथियार था, पास में गोला बारूद और पिट्टू बैग में ग्रेनेड थे, जो कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। और उस टाइम बर्फ़ गिर रही थी, उसमें ज़्यादा उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे मैंने वो पास आए कि देखा ये मिलिटेंट ही है या अपने कैंप में अटैक करने वाले हैं, तो मैंने उनके ऊपर उनको ललकारा और उनके ऊपर राइफल को कॉक करके फायर शुरू कर दिया। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए और क्रॉलिंग करते हुए वो दीवार का सहारा लेके पास वाले बिल्डिंग में जाके छुप गए। जैसे ही कैंप स्टैंड हो गया, तुरंत टूआईसी साहब और अफसर लोग आके क्यूआरटी मोर्चा संभाल लिया, इराके को घेराबंदी कर लिया और ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो कैसे आपको लगा कि उनके पास हथियार है और ये कोशिश कर रहे हैं घुसने की? जी, उनके हाथ में हथियार था, पोच पिट्टू था, जो दाढ़ी वाड़ी उनकी बड़ी थी, जो मिलिटेंट का होलिया था वो, और कैंप की तरफ बढ़ रहे थे क्रोलिंग के क्रोलिंग करके। यह हादसा 4:30 बजे या 4:45 बजे के करीब हो गया था। तो अगर आप नहीं रुकाते कितना बड़ा डैमेज हो जाता है? तो अगर वो कैंप में घुस जाते तो कैंप पे पूरा मतलब कैजुअल्टी ज़्यादा होती और बिल्डिंग को नुकसान हो जाता, पूरा कैंप में बहुत नुकसान हो जाता। ना CRPF की फैमिली नहीं थी पास में, जियोज मेस और क्वार्टर गार्ड जो कि पूरा हथियार ऑपरेशन रहता है, सीनियर अफसर टाइम रहते जहाँ पे हादसा हो गया था टाइम रहते ही वहाँ पहुँच गए और तुरंत ही वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया और कार्रवाई शुरू कर दी। जो भी सूचनाएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उन सब को निपटने के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी। क्या सुन रहे हैं आप? That is my question. देखिए, ऐसा है, जो अभी सूचनाएं हैं मैं आपके सामने पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो भी हमारे पास सूचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग एक रणनीति बनाकर उनसे निपटेंगे। जैसा आपने देखा कि वो बिहार सरकार द्वारा जो कंपनसेशन दिया जा रहा था, तो उसके लिए हम लोग बिहार सरकार से भी प्रयासरत है और बाकी जो उनको कंपनसेशन मिलना है वो पूरा कंपनसेशन उनको अगले 2-3 दिन में मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, गत वर्ष सुरक्षा फोर्सेस को बहुत सफलताएँ मिली हैं, बहुत से कमांडर्स मारे गए हैं और जो भी सूचनाएं आ रही हैं, जो भी चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन सब का भली भांति अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, अच्छी रणनीति के साथ सामना किया जाएगा और अवश्य उनको जो है वो नियंत्रण में रखा जाएगा। जो भी नई सूचनाएं आती हैं, जो भी नई परिस्थितियां होती हैं, सबका आंकलन किया जाता है और सबको से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाती है। देखिए, आपने देखा, एक घटना यहाँ करने का प्रयास किया गया, एक घटना अभी अस्पताल में हुई है, तो श्रीनगर में भी हम लोग हमेशा से ही मुस्तैद रहे हैं और आगे भी रहेंगे।